नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। छोटी बड़ी जानकारी के साथ आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि ये जो अलाउंसमेंट के जरिए आप लोग देख रहे हैं, ये ऑटो रिक्शा पर की तस्वीर है और स्थानीय कस्बा और गांधी क्षेत्र में, और ये वही 100 के आरक्षियों की तस्वीर है जहाँ पर पूरी तरीके से कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है। जगह जगह पर अलाउंसमेंट किया जा रहा है और बताया जा, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कभी वो लोग तभी निकलें जब उनको कोई ख़ास ज़रूरी आवश्यकता हो तभी निकलें, और कम उम्र के बच्चे और अधिक वर्ष के बुज़ुर्ग कतई कदार घर से न निकलें, और आवश्यकता ज़रूरी वस्तुओं की सामान की खरीदारी एक ही बार में करें और भीड़ भाड़ स्थान पर ना जाएं, और सुरक्षा बचाव के मद्देनज़र रखते हुए उनके टिप्स बताए जा रहे हैं अलाउंसमेंट के जरिए। आप देख सकते हैं ये वही तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से गांधी क्षेत्र में ये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार स्थानीय पुलिस कर्मी थानगांव और रेवसा बराबर अलाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कड़ी नज़र रखते हुए पूरी एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं पर ब्लॉक के ये ऑटो जो है वो ब्लॉक स्तर से जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में जागरूक करने के लिए अलाउंसमेंट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। संचारी रोगों से बचाव हेतु 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई को प्रातः 5 बजे तक पुनः लॉकडाउन किया जाता है, जिसमें समस्त कार्यालय एवं समस्त ग्रामीण शहरी हाट बाजार गल्ला मंडी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। किराना फल सब्जी दूध दवा व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रोडवेज बसों का प्रदेश में संचालन भी बंद रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा तथा इनमें स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक कारखाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेंगे। इस दौरान बृहद निर्माण कार्य, एक्सप्रेस वे, पुल, सड़क निर्माण व सरकारी निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सर्विलांस मेडिकल स्क्रीनिंग में सहयोग करें। घरों से बाहर अनावश्यक न निकलें, घर पर ही सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कि कोरोना से बचाव के लिए 10 वर्ष से नीचे के बच्चों और बुजुर्ग व्यक्ति घर से न निकले, बिना आवश्यक कार्य से बाहर न निकले। बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें, जिससे मुंह नाक पूर्ण रूप से बंद रखें। खांसी जुकाम बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। आज्ञा से जिलाधिकारी सीतापुर। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कोरोना से बचाव के लिए 10 वर्ष से नीचे के बच्चों और बुजुर्ग व्यक्ति घर से ना निकले, बिना आवश्यक कार्य से बाहर ना निकले। बाहर निकलने पर मास्क को प्रयोग करें, जिससे मुंह नाक पूर्ण रूप से बंद रखें। खांसी जुकाम बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। जो अलाउंसमेंट हो रहा है, आपका क्या नाम है? पप्पू कुमार। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम चीनी पोस्ट भनमरा। ये किसके आदेशानुसार, कैसे, किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं? ये किसका आदेश है? ब्लॉक से है, रेडियो पंचायत ब्लॉक रेवसा से। अच्छा, और जिले का किस अधिकारी का आदेश है? ये जिले का है, जिलाधिकारी महोदय। अच्छा, किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है? ये वन है इसको कोरोना की बचाव के लिए। अच्छा, ये कितने दिन चलेगा? ये आज ही है कि हमेशा चलेगा? नहीं, आज तो हम लोग राजापुर निकल रहे हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ भी जाएंगे? राजापुर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। कस्बा के अलावा गांव में भी जाते हैं? हाँ, गांव में जाएंगे। अच्छा, पूरे ब्लॉक भर में? तो आप अकेले जाएंगे कि और ऐसे हैं? नहीं, और हैं। कई ऐसे ऑटो रिक्शा लगाए गए अलाउंसमेंट के ब्लॉक में? तीन हैं दादा। अच्छा, आप कहाँ कहाँ जाएंगे? हम इधर राजापुर होते हुए निकलेंगे।
फिर आएंगे इधर क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा। कहता है कि कोरोना से बचाव के लिए 10 वर्ष से नीचे के बच्चों और बुजुर्ग व्यक्ति घर से ना निकले, बिना आवश्यक कार्य से बाहर ना निकले। कोरोना से बचाव है तो बचाव के लिए 10 वर्ष से नीचे के बच्चों और बुजुर्ग व्यक्ति घर से ना निकलें, बिना आवश्यक कार्य से बाहर ना निकलें। बाहर निकलने पर मास्क को प्रयोग करें जिससे मुंह नाक पूर्ण रूप से बंद रखें। खांसी जुकाम बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। यज्ञ से जिलाधिकारी सीतापुर।